बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फंक और ई कैट की सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज जो कि कम्प्लेक्स नंबर के साथ रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 11 से किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। फ़र्ज़ कर लिया कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस जोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको z बार के साथ डिनोट करेंगे, और वो कैसे हासिल होगा? अयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। नंबर एक, जेड वन प्लस जेड टू कॉन्जुगेट बराबर होता है जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट। अगर दरमियान में माइनस आ जाएगा तो इधर माइनस आ जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्म में अगर हो जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू जेड वन के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट, जेड टू के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट। तीसरी प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की, जेड वन ओवर जेड टू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड वन के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट, जेड टू के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट। और तीसरी है, चौथी प्रॉपर्टी है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट बराबर होता है जेड मॉड का स्क्वायर। अब मॉड क्या होता है? मॉड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, तो इसका मॉड किसके बराबर होगा? इट्स मॉड विल बी इक्वल टू पहले का स्क्वेयर प्लस दूसरे का स्क्वेयर होल के ऊपर स्क्वेयर रूट। ठीक है, और एक मज़े की बात बताता चलूँ मैं आपको कि z का मॉड माइनस z का मॉड, z कॉन्जुगेट का मॉड माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉड, ये सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है टू आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा, ये किसके बराबर होगा? अब ये देखें इसका सलूशन निकालने का तरीका। आपने जो सलूशन की प्रैक्टिस करनी है वो तकरीबन एक मिनट में एक क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। टू आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा, जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपको ये रकम दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में से मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, वन माइनस आयोटा। अब ये देखें ऊपर आ गया टू आयोटा माइनस टू आयोटा स्क्वेयर ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू माइनस वन। ऊपर से टू कॉमन निकाला तो यहां पे आ गया आयोटा माइनस टू, बाहर चला गया, आयोटा स्क्वेयर की जगह पे आ गया माइनस वन ओवर वन माइनस माइनस वन। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये देखिए जरा, ऊपर तो आ गया टू, ये आ गया आयोटा प्लस वन, आयोटा प्लस वन ओवर टू, तो ये टू टू से कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया वन प्लस आयोटा। राइट राइट, यहां पे जो है वो एक ऑप्शन आप वन प्लस आयोटा की भी रख लें, क्योंकि मैंने जो एमसीक्यूज लिखना था उसके ऊपर यहाँ पे सुकेर था। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 डैश, अब आप बनाएं 11 डैश टू आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा का सुकेयर। अब आपने बताना है कि ये किसके बराबर होगा। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन ये था, मैंने ऊपर स्क्वेयर जो है वो लगाना भूल गया, लेकिन चले खैर ये एक नया एमसीक्यूज बन गया।
अब आप इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4i² ओवर 1+i² प्लस 2i। एंड यू नो कि i² तो -1 के बराबर होता है। ठीक 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 1+i² और -i² ये आपस में खत्म, फिनिश, क्लास। ये आ गया 1/2i, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ गया -2/i, तो -2i के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, i² -1 के बराबर आ गया। ये माइनस इससे मिलके प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 2i। राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी कॉन्जुगेट के साथ रिलेटेड है। ये देखिए, डिनोमिनेटर में जब भी कंप्लेक्स नंबर आ जाए तो आपने क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो ये देखिए 1-i के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक, ऊपर आ गया 1-i² और नीचे आ गया a+b (a-b)(a²-b²). सिंप्लीफाई इट, पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर -2i/(1-1). 1+i² -1 के बराबर होता है ना, और ये प्लस वन, ये तो आपस में कैंसल, खत्म, फिनिश, खलास। ओवर 2 के साथ कैंसल, आंसर आ गया -i। और -i यहां पे कौन सी ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। यहां पे ऑप्शन ए वाज द राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, लुक एट दिस वन। सॉल्यूशन i+1/i². i² किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। अरे वाह, ये देखिए +1/-1, तो ये आ गया i-1। तो बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी। इस केस में डी जो है ये क्या बनती है, आपकी राइट ऑप्शन बनती है। i^57+1/i^125, इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा का कंसेप्ट यहां पे यूज होगा। इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा, तो आयोटा की पावर 57 प्लस 1/i^125। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं i², तो चूंकि मुझे पता है कि 1 के बराबर होता है, या i^4 जो है ये किसके बराबर होता है, i^4 = 1, तो इसको लिख देते हैं i^4। अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 56 के करीब करीब आ जाए, 14 × 56, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 56 और ये एक 57 प्लस 1/i^4। अब 4 को 125 पर डिवाइड करें, क्या आंसर आता है, 4 × 12 = 4 = 5 = 31। ये आ गया i^4 = 31 और ये आ जाएगा 124 और ये 125 हो गया। अब i^4 किसके बराबर होता है, i^4 = 1, तो यहाँ पे 1 की पावर 14, ये 1 के बराबर आ जाएगा, प्लस 1/1 (31)✕i। सो देयरफोर दिस इज फर्दर इक्वल टू i+1/i। इसको i के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ये आ गया i+i/-1। तो i-i आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 0, देयरफोर ए इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, एक तो सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंसेप्ट यूज हो रहा है इसमें। जेड आपके पास है 1+i, आपने किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है,
आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है जेड स्क्वेयर का, तो जेड स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा? जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा का स्क्वेयर। तो वन का स्क्वेयर प्लस आयोटा का स्क्वेयर प्लस टू आयोटा, राइट राइट। तो ये आ गया वन माइनस वन प्लस टू आयोटा। तो आफ्टर ये वन वन के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो टू आयोटा आ गया। अब टू आयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर वन ओवर टू वन आए, क्योंकि अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे आंसर वन के बराबर आएगा, तो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो ये आ जाएगा जी वन ओवर टू आयोटा। तो वन ओवर टू आयोटा जो है एक्चुअली क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, लेकिन बटे में तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पसंद ही नहीं है, तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। आयोटा ओवर टू इंटू माइनस वन, तो ये आ गया आयोटा माइनस आयोटा बाई टू। तो माइनस आयोटा बाई टू हमारी जो ऑप्शन बनती है यहाँ पे, वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।